नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री, मैं वाकी स्कूल का मुख्य शिक्षक गोयल नारायण भाई बात कर रहा हूँ। बताइए अपना अनुभव, ये नई नई दुनिया आपके सर पे पड़ रही है। पहले तो टीचर को जरूर नहीं होती थी स्कूल जाने की, अब तो जाना पड़ता होगा। जी सर, हम तो सर कोरोना काल में भी शहरी शिक्षण और माइक्रो सॉफ्ट टीम, जीशाला ऐप, दीक्षा ऐप, इसी तरह वो जो मालदारी लोग हैं जो जंगल में वसवाट कर रहे हैं, कच्छ जिला का मुंद्रा तालुका का वाकी गांव में एक खेंगार सागर डैम आ रहा है, तो उसके आसपास में जो मालदारी लोग वसवाट किए उसी के नेस पे ही हम पढ़ाने के लिए जाते थे सर। आपके यहाँ सारे बच्चे दीक्षा पोर्टल से जुड़े हुए हैं क्या? यस सर। तो अपने घर पर ये इस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं? जी सर। कितने बच्चे हैं जिनके पास अपना मोबाइल फोन है? अभी सर 228 स्टूडेंट है, 288, उसमें हमारे यहाँ पे 150 से ज्यादा स्टूडेंट है जिसके पास एंड्रॉइड फोन है। कौन कौन है जो हाथ ऊपर करें? जिसके पास एंड्रॉइड फोन है। अच्छा, बताना पड़ रहा है, हाथ ऊपर करो। नहीं नहीं सर। अच्छा, आपके यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ होता है क्या, खेल कूद वगैरह? और उसके लिए कुछ, क्योंकि ये जो मैंने चार्ट देखा उसमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ नहीं है जितना मुझे बताया गया। उसमें तो गुजराती, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, इन्हीं से आसपास सब कुछ है। हमारे स्कूल में सर ऐसा टाइम टेबल बनाया हुआ है जो हर शुक्रवार लास्ट एक घंटा रहता है 4 से 5 तक, तो यहाँ पे मैदान पे हम हर बच्चे को रमोत्सव की सेलिब्रेशन करते हैं हर शुक्रवार को एक घंटा। हम सबको मालूम है ना, नई शिक्षा नीति में खेलकूद भी शिक्षा का हिस्सा बन गया है। जी सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं रहा है, अब उसको स्कूल का हिस्सा बना दिया गया है। जी सर।